सागर के रहली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सुनार नदी में गिर गई। दुर्घटना में कार में सवार ड्राइवर घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला जांच में लिया। घटना रविवार देर रात की है। सोमवार को नदी से दुर्घटनाग्रस्त हुई कार को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार रहली जबलपुर बाईपास पर स्थित सुनार नदी पर बने बड़े पुल पर रविवार देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर जब तक कार को संभालता, वह पुल की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 30 फीट नीचे नदी में जा गिरी। दुर्घटना में ड्राइवर घायल हुआ। घटना देख राहगीर मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल ड्राइवर को रहली अस्पताल भेजा। रहली अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर संदीप असाठी ने बताया कि नदी में कार गिरने से ड्राइवर घायल हुआ है, जिसने अपना नाम यश उर्फ राहुल ठाकुर निवासी मकरोनिया होना बताया है। दुर्घटना में उसको चेहरे में मामूली चोट आई है। प्राथमिक उपचार दिया गया है, वह खतरे से बाहर है। प्राथमिक तौर पर ड्राइवर नशे की हालत में प्रतीत हो रहा था। लड़का आया था जिसका नाम था यश उर्फ राहुल ठाकुर, पिता का नाम बी एस ठाकुर। ये अपने आप को मकरोनिया सागर का निवासी बता रहा था। उम्र उसकी लगभग 30 वर्ष थी और बताया गया था कि पुलिया से उसकी गाड़ी गिर गई है। स्कॉर्पियो गाड़ी में था, वो चला रहा था उसको, तो गिरने की वजह से उसको थोड़ी सी चोटें आई थी चेहरे पे थी, और दोनों तरफ थी चेहरे पे और आंख भी नहीं थी उसको। बाकी उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी और प्राथमिक उपचार उसको दे दिया गया और बाकी सब ठीक था उसका। नशा प्रतीत तो हो रहा था कि वो था।